आज मसाला किचन में हमने बनाया है पाकिस्तान का फेमस चिकन कराची। अगर आप देखना चाहते हैं मैंने इसको किस तरह बनाया है, ना ही इसमें प्याज जाता है ना ही गरम मसाला, किस तरह बनाया है, तो आप मेरी रेसिपी को लास्ट तक की पूरा देखिए। यहाँ पर ले ली हमने एक मिट्टी की प्लेट जिसमें हम इसको सर्व करने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनी है ये, आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर लेकर आ गए एक नई रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है और यहाँ पर हमने तपेली में ऑयल गरम रख दिया है। चिकन को हमने 2 मिनट के नमक में लगा के छोड़ दिया था और उसको अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, ऐसे ही हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। ये 1 kg चिकन है हमारा। यहाँ पर मैंने रेगुलर चिकन लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे बोनलेस भी चिकन ले सकते हो। अब यहाँ पर इसको हमको करना है अच्छे से फ्राई। गैस का फ्लेम फास्ट रखिए, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे लगभग 5 से 6 मिनट। इसको लगा देंगे हम ढक्कन और इसको 2 मिनट ऐसे ढक्कन लगा के पकने देंगे जो हमारा चिकन है उसका पानी अच्छे से निकल जाए। इसको भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन हटा लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये चिकन है अच्छे से पानी छोड़ चुका है। अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, इसको भी मिक्स करेंगे। मसालों के साथ जो हमारा चिकन है वो अदरक लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए 500 ग्राम टमाटर जिसके मैंने ऊपर से छिलके निकाल दिए हैं, हम इसको ऐसे ऐड कर देंगे। इसमें चिकन कराची जो है उसका स्पेशली रेसिपी टमाटर है। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है, अब हम इसको 2 से 3 मिनट पकने देंगे। यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिया, हम इसको ढक्कन लगा देंगे और इसको 2 मिनट तक के ऐसे स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। यहाँ पर मैंने ढक्कन हटा दिया है, इसको हम अच्छे से पकने देंगे जब तक हमारे टमाटर ना गल जाए, तो साथ में हमारी मुर्गी 50% गल जाएगी। यहाँ पर ढक्कन हटा के हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर नमक की वजह से हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से जल्दी गल जाएंगे और मुर्गी में भी जो हमारे नमक का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा। यहाँ वापस हम चेक कर लेते हैं, हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से गल गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टमाटर है हमारे वो अच्छे से पक चुके हैं, मुर्गी के साथ अच्छे से गल गए। टमाटर भी अच्छे से गल रहे हैं अंदर और अच्छी सी ग्रेवी बन रही है। अब यहाँ पर ऐड कर दूंगी 4 हरी मिर्ची जिसको हमने बीच में से चीरे लगा दिए थे और ये बिल्कुल फीकी मिर्ची है। और यहाँ पर टमाटर को मैंने छिलके पहले ही निकाल के हमने इसमें ऐड किया था। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं ग्रेवी अच्छे से पक गई है। मेरा गैस फास्ट है, फास्ट गैस पे हम बना रहे हैं रेसिपी को।
और खाने में बहुत ही मजेदार बनती है ये चिकन कराची। अब इसको हम पानी पूरा ड्राई करेंगे, फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। अब मैं इसको खुला रख के ऐसे ही पकाने वाली हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से बन चुकी है। और चिकन कराची के अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, टमाटर और दही से बनती है। अभी हम इसको 1 से 2 मिनट और पकने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। यहाँ पे जाएगा हल्दी पाउडर, साथ में जाएगी लाल मिर्ची, इसके साथ में ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची। अब जाएगा इसमें धनिया पाउडर। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और लास्ट में डाल दिया हमने गरम मसाला। इसमें ऐड करेंगे अब जीरा पाउडर, साथ में जाएगी काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ी सी जाएगी कुटी हुई लाल मिर्ची। सारी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। अभी हम यहाँ पर इनको अच्छे से कर देंगे मिक्स। सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मसालों को बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पर गैस का फ्लेम एकदम स्लो करके इसको हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट। अब यहाँ पर मैं इसमें 50 ग्राम दही ऐड कर दूंगी। जो चिकन कराची होता है इसके अंदर खड़े मसाले नहीं डाले जाते और प्याज, इसमें सारे पिसे हुए मसालों का उपयोग होता है। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट पकने देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो चिकन है इसको बनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी, इसके साथ में डालेंगे हरा धनिया। इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। यहाँ पर जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो चिकन कराची है बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।